हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एवरीबॉडी फाइन? वेरी गुड। आपने एक्सरसाइज 7.5 तक कर लिया था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके पहले आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख लिया था, देन एक और था इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके भी। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आपने सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन दो हो गया, अब ये आखिरी मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, सपोज मैं बोलूं एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको करने को कोई बोले, तब आप, मैंने पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लागू होता है, वेयर इज इन इंटीग्रेशन देयर इज नो प्रोडक्ट रूल डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम बाय पार्ट होगा, आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया होगा, आपको उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। तो अब कैसे करना, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में एक पेज नंबर 324 में एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस विच आर गिवन इन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो दो फंक्शन दिए होंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। मान लो इसमें कोई फर्स्ट फंक्शन है, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको ले लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे, मैं फिर से बोलूंगा कि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। तो आपके बुक में एक आइडेंटिटी दी है, काफी लंबा कार्यक्रम दिया हुआ है आपको बोल्ड कलर में, मैं आपके कैमरे के सामने अगर किताब करूं, हो सकता किसी सीबीएसई के अलावा दूसरे बोर्ड के बच्चों की बुक में ये पेज नंबर को दूसरा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं देखते हैं आपको ये फॉर्मूला कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, जस्ट सी दिस वन, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज फर्स्ट फंक्शन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको याद रखने में बच्चों को पसीना आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले को याद रखने की आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ। वो टेक्निक क्या है आपको मैं बताऊँ, आप इस फॉर्मूले के जिस पेज में आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी पेज में सबसे ऊपर जो ऊपर का मार्जिन खाली, वहां पे आप इसका एक शॉर्ट एक कोड फॉर्म में उसका फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है बच्चों, जस्ट नोट कर लो आप, फिर आपको देखना कि चुटकी भर में आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज, मैं एक सीधा फिश डी फिश एफ आई एस इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, इंटीग्रेशन का निशान थोड़ा बड़ा कर दो आपको अगर शक हो तो, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिश एफ आई एस एंड डी एफ आई एस, फिश माइनस इंटीग्रेशन डी एफ एस डी फिश, मतलब ये हुआ एफ का मतलब फर्स्ट फंक्शन, आई एस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। आया एफ फॉर फर्स्ट फंक्शन, आई एस का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर डी एफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और आई एस मीन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आई एस का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बार बार आएगा, एफ फॉर फर्स्ट और एफ डी फॉर डिफरेंशिएशन। ये इतना याद रख लो आपको आसान हो जाएगा, का तो वो पैराग्राफ रटने के बजाय आप ये याद रख लो। अब एक चीज आपको, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन में आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा बच्चों। सेकंड फंक्शन देखो, डिफरेंशिएशन आपको सभी का आता है, लगभग सभी का आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन आपको सबका नहीं आता। ठीक है, जैसे मैं बोलू लॉग एक्स इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, लेकिन लॉग एक्स डिफरेंशिएशन आपको पता। अब जैसे मान लो, तो आप सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को लेना जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो, जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो। ठीक है, तो वाइल सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन आपको आसानी से, मतलब उल्टा सीधा नहीं लेना। तो उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, ठीक है, फिर आप
सवाल करना कि सर फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले, उसकी भी एक तरकीब है, मैं आपको बताऊं, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो नोट कर लेना। अब मैं आपको इसी किताब का एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स कैसा होगा, देखो एक्स कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब किताब वाले ने फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो मैं फर्स्ट से नीचे ऐसा लिख दूं एक्स के, और अभी मैं आपको जो किताब वाला बोल रहा वही करूंगा, ठीक, आप बिल्कुल टेंशन ना, फर्स्ट फंक्शन ये ले लिया, नीचे लिख दो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फंक्शन, ठीक, ये आई है, दिस इज आवर आई, ठीक बच्चों। अब देखो क्या होगा, फिश आपको वो जरूरत नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटू, तो फर्स्ट में लिख दो एफ फर्स्ट फंक्शन बाय एक्स हो गया, आई एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, माइनस अब df, df का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और is फिर cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, ठीक है। अब 1 into sin x तो sin x ही होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया, x cos x माइनस, अब देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos x हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर प्यारे बच्चों, ठीक, समझ में आई कहानी, ये आपको पक्का याद रखना, पर इसने क्या दिया यही आंसर, और एक कॉन्स्टेंट दे देना, ठीक, कॉन्स्टेंट सब देते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना बस, वेरी वेरी इजी। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, सर किसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूं, किसको सेकंड फंक्शन लूं, उसकी भी एक टेक्निक आपको मैं अभी अभी बता देता हूं, ठीक, याद रखना। अच्छा, अब आ गया हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस, यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया है, हमको इंटीग्रेशन करना है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन माने, तो आप क्या करना, आप आइलेट रूल फॉलो कर, कोड आइलेट रूल है आई आई एल ए टी, ये आपको एनसीईआरटी बुक में तो नहीं, बाकी अच्छी बुक्स में कहीं अच्छी बुक्स, मतलब एनसीईआरटी बुक भी अच्छी है, लेकिन ये लिखा नहीं उसमें, आईलेट में आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मींस इनवर्स जैसे, मतलब आपको हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो गया, ओके कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ऐसा, ओके समझ आया कहानी, ईटीसी। अब लॉग में लॉग एक्स वगैरह होता ही कोई दिक्कत नहीं है, एलजेब्रिक में जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स फोर हो गया, लाइक दिस, ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स आते ही साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ देख साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, कुछ भी ठीक, ऑल ट्रिग्नोमेट्री वाला। एक्सपोनेंशियल में ई एक्स वाला हो गया, ए एक्स वाला इट इज, ठीक है समझ, ये चीजें ध्यान रखना। तो अब देखो जो पहले आया इन, जैसे ये दो आ गया, तो आई और एल में आई पहले माना जाएगा, यानी इनवर्स वाले को पहला फंक्शन लेंगे और लॉग वाले को सेकंड लेंगे, ठीक है। लॉग और एलजेब्रिक आ गया, जैसे मैं मान लू आपको आ गया एक्स लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स को आपको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट दो हो गया, तो लॉग पहले आता है, लॉग आइलेट में इनवर्स पहले, सेकंड नंबर लॉग, थर्ड नंबर पे एलजेब्रिक वाला आता है, एलजेब्रिक वाला, फोर्थ में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और लास्ट में आ गया क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अब इसमें एलजेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में पहले कौन लॉग है, तो लॉग को पहला लेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी ट्रेकर इज सेकंड फंक्शन, ठीक, समझ आया कहानी। हाँ, अब वैसे भी देखो लॉग एक्स तो आपको इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन पता है ना, तो उसी को, उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन कभी मत लेना जिसको इंटीग्रेशन आपको आता नहीं, कभी कभी दोनों का है तो आपको इसको फॉलो करना। अब मैं बताऊं आपको, सपोज आपको आ गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आ गया, तो आप क्या करेंगे बताइए, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आ गया तो कौन पहला आएगा, ट्रिग्नोमेट्री है लोग है तो लोग वाला फिर पहला नंबर आ गया, लोग पहला या सेकंड आ गया। अब देखो मैं आगे, सपोज आपको आ गया ई एक्स इंटू एक्स, तो किसको पहला लेंगे बताइए, पहला किसको लेंगे, ई एक्स इंटू एक्स, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो दो फंक्शन का पार्ट होगा, यू वुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, प्रॉपर चॉइस मस्ट बी मेड, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं बोलूंगा आपको, और जैसे कोई भी ले लेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है बच्चों, एक्स इंटू एक्स हो गया, ये हो गया, और भी देखते हैं, एक दो और बता दो फिर हम शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना, ठीक है बच्चों,
एक्स इंटू साइन एक्स, कौन सा बढ़िया तरीका, एक्स इंटू साइन एक्स विच फंक्शन विल बी टेकन फर्स्ट एंड विच विल बी सेकंड। साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला आई लेट का आई एल ए, एलजेब्री वाला हो गया, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सेकंड वाला, यानी एलजेब्रा पहले आ गया ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया है, तो एक्स वाले को फर्स्ट लेंगे, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और दो टाइप का इसमें एक और फंडा लगेगा, इंटीग्रल कुछ और होगा, वो मैं अभी 8-10 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में बताऊंगा आपको। प्यारे बच्चों टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, आई एम सॉरी कि आपको ये वीडियो काफी देरी से मिल रहा है, 7.5 के बाद में काफी देरी हो गई। ओके, अब लेकिन स्लो मोशन में आप अच्छे से करना, मैं जो बोल रहा हूँ सारी बातें एक एक करके सुनते रहना। मीनवाइल वीडियो को आप लाइक जरूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी डालना, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करते रहना। तो मैं अभी देखता हूँ कौन सा एग्जाम्पल आपको करा हूं, एक अच्छा सा शुरू करते हैं कुछ कार्य, अच्छे अच्छे एक दो सिंपल सिंपल कराते हैं, फिर बीच में इंपॉर्टेंट भी आपको बताता रहूंगा। फंडा आईलेट वाले याद रख लो, आईलेट एक बार रट लो वीडियो पॉज करके, इनवर्स लोग एल्जेब्रा एल्जेब्रिक वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला एंड एक्सपोनेंट, आईलेट एक बार आंख बंद करके वीडियो पॉज कर लो पहले, बाद में आंख बंद करना, ठीक है ना, नहीं तो आपको ऐसा नहीं कि पहले आंख बंद करी फिर वीडियो पॉज किया तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो आईलेट का सीक्वेंस मेंटेन करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। इंटीग्रेशन और ये कौन सा है डिफरेंशिएशन आपको सब आता ही है दोनों फंक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन में फिर से बोल रहा हूं, उसको कभी नहीं लेना जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जाम्पल एटी लेते हैं जिसमें लॉग एक्स को आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे, लॉग एक्स डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं आता, तो कभी कभी हमारे पास समस्या खड़ी होगी यार क्या करें इसका, क्विट कर दे, नहीं करेंगे, खेलेंगे ना। अच्छा तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, लॉग एक्स को लॉग एक्स इंटू 1 करेंगे और dx लिख देंगे। अब देखो 1 भी एलजेब्रिक फंक्शन माना जाता है क्योंकि 1 को हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 0 लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, ये एक्स की पावर 0 वाला है तो 1 को भी एलजेब्रिक फंक्शन माना जाता है। तो अब आईलेट के हिसाब से मैं अभी यहां लिख दूं आईलेट, क्यों बार बार मुझे सोचना पड़ रहा है, आपको भी सोचना पड़ रहा होगा, ठीक है। बताओ लॉग और एलजेब्रा में लॉग पहले आता है ना, तो लॉग का पहला दे दिया, लॉग को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। अब करो फिस, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया। ये बार बार देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो तो एक बार में यहां लिख दे, उसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इसको लॉग एक्स इंटू एक्स, तो लोग कई लोग क्या करते हैं, कई लोग लोगों से कई लोग लोग में गलती करते हैं, तो इसको क्या गलती करते, लॉग एक्स को एक्स से गुणा करके मल्टीप्लाई करके लॉग एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, और उस गलती से बचने का एक उपाय है एक्स लॉग एक्स लिख दो तो अच्छा लगेगा। अब यहां क्या हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बच गया ना, एक्स एक्स कैंसिल 1 बच गया, 1 का फिर से एक्स हो गया, ठीक है बच्चों, एक्स कट गया, 1 का फिर से एक्स हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, लॉग एक्स इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो बच्चों एक याद भी रख लो, आपका एनडीए वनडीए में क्वेश्चन आता है लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, ठीक है बच्चों। एक एनडीए में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, लिखा था विच ऑफ द, मैं भी आपको कंसल्ट कराता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं पूरा, फिर आप मुझे बताना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो किसी जमाने में एक AIEEE नाम की कुछ एग्जाम हुआ करती थी, AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, आज इसकी जगह JEE मेंस ने लिए, इट वॉज कंडक्टेड बाई CBSE एंड JEE मेंस इज नाउ कंडक्टेड बाई CBSE, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, ईयर आई डोंट रिमेंबर, log x इंटीग्रेट ऑफ log x dx इक्वल टू x log x माइनस x प्लस सी, b में x log x बाई e प्लस सी, c में x log x माइनस 1 प्लस सी एंड ओनली एंड सी, ए बी एंड सी ऑल
ठीक है कल, विच ऑप्शन इज करेक्ट ए बी, अभी आपको आंसर कौन सा भरना है ये आप जरा सोच के वीडियो पॉज करके फिर आप आंसर लिखिए, और अगर आपका आंसर सही है तो अपनी पीठ खुद थपथपाओ, और अगर आपका आंसर गलत है तो धीरे से अपना भेजा बेंच पे पटको धीरे से, ज्यादा जोर से नहीं, ठीक है ना, बिकॉज अगले क्वेश्चन भी करना है ना आपको, ऐसा नहीं है, ठीक, सोचो वीडियो पॉज करके सोचो फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है बच्चों, सोच लिया आपने, वेरी गुड, वीडियो पॉज करके सोचो 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 सोचो, पॉज कर लो पॉज कर लो। अच्छा अब मैं बताऊं इसका आंसर, ठीक है, लेट सी कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो आपको दिख रहा, अभी ये भी किया आपने, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, फिर आपने ए में अगर मैं इसमें एक्स कॉमन ले लू, एक्स कॉमन लिया, इसमें एक्स कॉमन लिया तो क्या आ गया, लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, यानी ए एंड सी तो है। अब क्या आपका आंसर बी है, है? अभी देखते हैं, बी है तो पीठ थपथपा लेना, और बी नहीं है तो फिर वही बात जो अभी अभी मैंने बोला, अब अपने कुछ मत करो, ठीक है, पढ़ लो। अच्छा अब क्या, ठीक बच्चों मैं इसको एक और करता हूं, ये आपको क्या आया, log x विजिबल, तो यहां पे x इंटू या इधर आ गया log x, log e भी लिखा करते हैं किसी जमाने में, क्या वन log of e का वैल्यू वन होता, log of e का वैल्यू वन होता है, log of e का वन हो, क्योंकि मैथ में हमारा नेचुरल log है टू द बेस, log of एनी क्वांटिटी टू द सेम बेस इज वन। अब ये क्या हो गया, log m माइनस log n क्या होगा, x log x तो बाहर आ गया, log x बाई e हो गया, log x बाई e हो गया, ये तो बाहर है, क्या हो गया, log of x बाई log m माइनस log n log x बाई e भी हो गया। तो यार ऑप्शन बी भी तो सही है, इसका मतलब ए बी एंड सी आपका आंसर ई सही है, ई फॉर इको करेक्ट है, समझ में आया, आया बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ अगला सवाल देखते हैं क्या, टेंशन लेने के लिए अभी ऐसे बहुत पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, सिर्फ मजा लेने वाले चाहिए, ठीक है, चलो करते हैं अगला वाला। 19वां एग्जाम्पल काफी सिंपल है, अभी मैं आपको सिंपल सिंपल इसलिए करा रहा हूं सो देट आपका मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूं। आइलैंड के मुताबिक देखा, इनवर्स इनवर्स तो है नहीं, एलजेब्रा एंड ये एक्सपोनेंशियल में कौन जीतेगा, एलजेब्रिक फंक्शन जीतेगा, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया उस फंक्शन को कभी भी सेकंड फंक्शन मत लेना जिसका इंटीग्रल आपको पता नहीं, अब यहां पे आपको दोनों का इंटीग्रल पता है तो पता है, तो लेकिन फिर भी आप जब पता है तो आप आइलैंड को फॉलो कर, ठीक है। तो फिर एफ एफ कौन एक्स, आई एस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई एक्स का सेम ही होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का वन हो गया, ई एक्स फिर हो गया डी एक्स आ गया। अब ई एक्स का क्या हो गया बच्चों, ई एक्स का तो वापस सेम ई एक्स ही होता है, और लास्ट में हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगा देते हैं, दिस इज द आंसर एक्स ई एक्स माइनस एक्स, ठीक है बच्चों ये याद रखना। चलते हैं इसका आपका एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल 20 थ्री स्टार रेटिंग दे सकते हैं, इट हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड मेनी टाइम्स, 2014 में आया था, 2016 और 17 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको देखते ही आपको लग रहा है किताब वाले ने भी आपको किया है, किताब वाले ने क्या किया है, जैसे आईलेट का फंडा यूज करके साइन इनवर्स एक्स को इसने फर्स्ट फंक्शन लिया है, एंड उसको एक्स को उसने सेकेंड फंक्शन लिया है, सिंस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है इंटीग्रेशन नहीं आता। अब बच्चों एक काम करो, मैं एक आपको उससे भी सिंपल तरीका बताऊं, इससे भी सिंपल तरीका बताऊं मैं आपको, देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मैं अगर टी ले लें तो इसका डिप्रिसिएशन क्या होता है, वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को टी ले लिया, इसकी जगह टी लिख दिया, और डी एक्स बाई रूट वन माइनस स्क्वायर ये डी एक्स से लेकर यहां तक ये डी टी हो गया, तो एक्स क्या बन गया, तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन टी, एक्स की जगह साइन टी लिख देंगे,
तो हमारा आई क्या बोले, जस्ट सी व्हाट इज आवर आई, आई इक्वल टू देखो एक्स की जगह साइन टी लिख दिया, साइन टी एंड साइन इनवर्स एक्स को हमने लिख दिया पी, साइन टी डी टी हो गया। अब साइन टी डी टी में बाई पार्ट वाला फंडा लगाएंगे, आईलेट का फंडा यूज करेंगे, आईलेट वेयर टी इज वेरिएबल, सो टी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आईलेट में एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रा का पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा आता है, तो ये ऐसा बन गया वन एंड टू, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब लगाएंगे हमारा फंडा वही एफ आई एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ आई एस, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हो गया टी और इसका साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का कॉस टी हो गया, टी इंटू माइनस कॉस टी, तो मैं माइनस बाहर लगा दूं आपके लिए, माइनस टी कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका वन हो गया, एंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, आई लाइक लाइक दिस, ठीक है बच्चा। डी टी फर्दर माइनस टी कॉस टी और ये कॉस टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टी प्लस सी। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वापस आपको टी वाली चीज को आप एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरिएबल टी है तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हां तो टी इक्वल टू क्या हो गया, देखो जहां पे साइन टी वहां एक्स लिख देंगे, साइन टी की जगह एक्स लिख देंगे और टी की जगह साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के पहले आप ये कॉस वाले को भी साइन में कन्वर्ट कर दो, तो वो बाद में करेंगे बाकी चीजें, पहले जहां जहां कॉस है वो साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स है, अगर यहां कॉस इनवर्स होता तो सारी चीजें कॉस में कन्वर्ट करते। तो मैं पहले इसको करूंगा माइनस टी इंटू कॉस टी की जगह क्या लिखेंगे, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, काफी आसान लेकिन काफी मजेदार, टी कॉस टी की जगह साइन वन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दो, अदरवाइज मैं नीचे भी लिख सकता है राइट हियर ऑल्सो, लाइक राइट हियर, सो देट आपको दिक्कत नहीं होगा, माइनस टी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी प्लस, सारी चीजें साइन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यह साइन इनवर्स दे रहा है, अगर यह कॉस इनवर्स होता तो सारी चीजें कॉस में कन्वर्ट करते। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे जहां एक्स है वहां तो साइन टी लिख देंगे और जहां टी है वहां साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, एक्स की जगह साइन टी और टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो क्या बन गया माइनस टी की जगह क्या लिखू साइन इनवर्स एक्स और साइन टी की जगह एक्स लिख देंगे, ठीक है, साइन टी की जगह एक्स, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी बोले तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन टी की जगह क्या एक्स, साइन टी की जगह एक्स प्लस दिस शुड बी द आंसर साइन इनवर्स एक्स, समझ में, फिर से बोल लू जहां जहां टी और साइन इनवर्स एक्स, जहां साइन टी और एक्स कर दो साइन टी की जगह एक्स कर दो। अब आप आंसर मैच कर सकते हैं, लेट मी मैच माई आंसर ऑल्सो, माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये। चलते हैं अगले सवालों की तरफ, एग्जाम्पल 21 ई एक्स साइन एक्स। अब यहां पे एक मैं बताऊं आपको, आईलेट का फंडा यूज करें, देखो आपका आईलेट का फंडा कहीं फ्लॉप नहीं होगा, आईलेट वाला फंडा कहीं भी फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है। मैं आईलेट वाली चीज यहां लिख दूं आपको, बार बार मुझे दिखानी पड़ रही है आईलेट, ये वाला यहां नहीं करेक्ट है, एज पर दिस आईलेट रूल आपको पहले क्या है एक्सपोनेंशियल ई एक्स को सबसे लास्ट में आता है, ई एक्स सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना, एंड तो फिर इसका ई एक्स को सेकंड फंक्शन और साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और ई एक्स को सेकंड फंक्शन। अच्छा कभी कभी ऐसी चीज है ना, ई एक्स कॉस एक्स ई एक्स साइन एक्स, इनमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का था फिर से करते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं वापस, तो साइन एक्स आ जाता है, ठीक है। और अगर
कॉस एक्स का, फिर साइन एक्स साइन एक्स का, फिर कोई दिक्कत नहीं है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और वापस उसका इंटीग्रल साइन आ जाता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन साइन एक्स और इंटीग्रल फिर वापस कॉस में आ जाता, ठीक है ना माया, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ले सकते। किताब वाले ने इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ क्या हमारा आंसर सेम आता नहीं आता। ये सिर्फ आपको जहाँ कंफ्यूजन हो मैं किसको सेकंड किसको फर्स्ट लूँ, आप आईनेट को यूज करो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मैं आई ले लेता हूँ, दिस इज आई इंटीग्रल, तो फिश डी फिश फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेकंड फंक्शन यानी इसका ई एक्स का ई एक्स हो गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका क्या होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और डी एफ एंड आई एस तो इसका ई एक्स का ई एक्स हो गया डी एक्स। अब यहां पे आपको फिर वही कहानी आ जाएगी, आपने ई एक्स को या सेकंड फंक्शन या फिर इसको भी या सेकंड ही रखना, उल्टा मत करना, एक बार जिसको ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट लिया तो यहां ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेना है अभी, या फिर करना पड़ेगा रिपीट करना पड़ेगा, दिस इज सेकंड फंक्शन दिस विल बी एस ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन, उल्टा मत करना ठीक है ना, जैसे इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिया तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड लेना है। ये तो हमारा आई चला, दिस इज आई। अब यहां पे देखो एक राम कहानी बनेगी, क्या कहानी बनेगी देखते हैं। ये तो हमारा साइन एक्स ई एक्स पढ़ाई है माइनस, यहां पे देखो फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स हो गया आई एफ आई एस ठीक है, दिस इज माइनस एफ आई एस तो इसका इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये सेम हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो मैं माइनस वाला साइन अंदर ना ली के बाहर माइनस माइनस या प्लस कर लू ठीक है, तो डी एफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड ई एक्स। अब यहां पे क्या कहानी बनी देखो, ऑफ साइन एक्स ई एक्स साइन एक्स ई एक्स ये पड़ा वापस, ये साइन एक्स ये चीज नहीं, ये वाली सेम है ये, तो इसको मैं आई लिख दू, आई विल राइट इट एज आई ठीक है ओके। अब यहां प्लस सी आप कर सकते कोई दिक्कत नहीं ठीक, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई एक्स माइनस, अभी मैं ऐसा पढ़ रहा हूं कॉस एक्स ई एक्स एंड प्लस आई कर दिया, दिस इज आई अगेन एंड प्लस सी कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे आई इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स एंड माइनस आई एंड प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत दिस आई विल गो दैट साइड, आई उधर जाएगा तो ये टू आई बनेगा ना, टू आई बनेगा और इनमें कॉस ये आई आई उधर चल टू आई बन गया, इनमें ई एक्स कॉमन ले लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया प्लस सी। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, आई हमें आई चाहिए तो इधर टू इधर आएगा टू से डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ई एक्स बाई टू तो वन बाई टू एक्स ठीक है, समझ समझ आया बच्चे, बच्चों पढ़ लो सुबह सुबह का टाइम है पढ़ने का ओके, तो अभी आपका आई क्या बन गया दैट मीन्स योर आई इज ई एक्स बाई टू एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है प्लस सी हो जाएगा। अब कोई लोग बोलेगा मैं 2 को सी बाई टू से करूं, वो कोई नहीं, आप इसको सी वन बाई टू कर लेना, सी वन बाई टू को फिर वापस सी लिख देना, तो ये वाला कोई सेम आंसर आया। देखो कभी कभी आंसर देखने में अलग होता है बट जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वो आंसर सेम ही होता है ठीक है। ये तो आपका था एग्जाम्पल 2। अब एक और आया नेक्स्ट में इंटीग्रल ऑफ द टाइम ऑफ द टाइप ई एक्स ब्रेकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, वो मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे बाद में मैं समझाऊंगा ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज में घुस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, शुरू करते हैं इस ओवर की पहली बॉल, क्या आप खेल पाते हैं? यस आप आराम से खेलेंगे मुझे पता है। आईलेट या आईलेट आईलेट वाली चीज भी मैं यहां लिख दूं, अब इतने हथियार आपके पास है आप बिल्कुल डरेंगे, दो हथियार है यहां पे पूरी एक्सरसाइज में, ये दोनों हथियारों को यूज करके आप दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, चारों खाने चित कर सकते हैं, एक तो आईलेट हथियार एक फिश माइनस डी फिश ठीक है। तो आईलेट को पूछा एक्स साइन एक्स एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले एल्जेब्रिक एल्जेब्रा एक फंक्शन आता फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
इसको पहला ले लूं अलीदा पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो मैंने यहां लिख दिया माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का वन हो गया, साइन का डिप्रिसिएशन कॉस एक्स हो गया, और डी एक्स फिर लिख दूं, कौन मना करेगा, आप भी नहीं करोगे, बाकी कोई भी नहीं करेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका उत्तर है। चलते हैं सवाल नंबर दो की तरफ, क्या लिखा है। यहां पे थोड़ी सी गलती, क्या गलती, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोई दिक्कत, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहां पे माइनस पहले था तो माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहली बॉल खोलने में खेलने में थोड़ी चूक होगी, कोई बात, अगली बॉल पर सिक्स मार देंगे आप, ठीक है। चलते सवाल नंबर दो की तरफ, सवाल नंबर दो में क्या कहता है, एक्स साइन थ्री एक्स, एक्स साइन थ्री एक्स देखते हैं, एक्स साइन थ्री एक्स, एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, तो मैं इसको थोड़ा परिवर्तन कर लू, साइन थ्री एक्स सेम कहानी चलेगी, ठीक। अब देखो क्या बनेगा, यहां पे फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू लगा दो, थोड़ी गैप छोड़ देते माइनस प्लस का, फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थ्री एक्स, तो माइनस बाहर लगा दिया, कॉस थ्री एक्स यहां लिख दिया, लेकिन तीन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन होता है, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन होता है, फिर वही कहानी माइनस का कॉस थ्री एक्स, और तो कॉस थ्री एक्स हो गया माइनस, यहां देखो यहां माइनस था ना, साइन का माइनस में होता है इंटीग्रेशन, और कॉस थ्री एक्स है तो वन बाई थ्री, आई कैन राइट वन बाई थ्री दिस साइड, वन बाई थ्री कैन बी रिटन दिस साइड ऑल्सो। अच्छा अब क्या हो गया, ये क्या हो गया माइनस वन बाई थ्री, या ऐसा पढ़ाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कौन मना करेगा, एक्स कॉस थ्री एक्स बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इधर, अब कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन थ्री एक्स एंड थ्री एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है, तो थ्री से फिर से डिवाइड कर देंगे, और इवन यहां पे चलो कर दिया अन प्लस सी लिख दो, अब आपका क्या आया, यहां पे फिर वही साइन का इंटीग्रेशन, ठीक है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स था ना, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस नहीं बनाया, अब क्या आंसर आ जाएगा आपका, देखो व्हाट विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर बच्चों, माइनस ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन साइन थ्री एक्स आंसर हो जाएगा एंड प्लस सी दिस इज द आंसर, फिर माइनस की गलती नहीं करना, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने की, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन थ्री क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन थ्री में एक्स स्क्वायर ई एक्स, क्वेश्चन थ्री में एक्स स्क्वायर ई एक्स हो गया, फटाफट करते रहो करते रहो। ओके नाउ एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स हो गया, अब देखो वही आइलैंड का फंडा है, एक्सपोनेंशियल को लास्ट में मिलता है नंबर, पहला मिल गया इसको दूसरा मिल गया, फर्स्ट फंक्शन ई एक्स, ओके फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सेम हो गया ई एक्स हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया और इंटीग्रेशन सेम हो गया ई एक्स हो गया, अब 2x का 2 कैन बी रिटन आउट, 2 मैं यहां लिख दूं आपके कहने से, मैं 2 यहां लिख देता हूं अभी, और लिख बाद में लिख देंगे, अभी लिखो एक्स स्क्वायर ई एक्स हो गया, माइनस टू इज आउट, माइनस टू इज आउट, देन अगेन एक्स एंड ई एक्स हो गया, सेम कहानी चलेगी, फिर लगेगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर अंदर बच गया है तो फिर से बाई पार्ट उसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यहां लिख देना, अब देखो यहां पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया ई एक्स सेम हो गया, माइनस टू बाहर इसका, फिर एक्स इंटू एक्स ये फिक्स हो गया, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वन, डिफरेंशिएशन वन हो गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन सेम हो गया, डी एक्स हो गया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में लगाएंगे,
तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया, एक्स ई एक्स, ई एक्स का सेम होता ई एक्स हो गया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स, अब ई एक्स कॉमन ले लो तो भी चलेगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, व्हाट हैपेंड हियर, ठीक है ई एक्स कॉमन है, यहां पे छोड़ दिया ना एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, पूरे में ई एक्स कॉमन ले लो तो भी चलेगा, ई एक्स कॉमन आ गया, यहां क्या एक्स स्क्वायर बच गया, यहां माइनस टू एक्स बच गया, या माइनस टू बच गया प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, काफी आसान है, थोड़ा स्पीड नॉर्मल रखना, ज्यादा धीमी भी मत रखना। करते हैं सवाल नंबर चार, क्या होता देखते हैं। एक्स लॉग एक्स डी एक्स, फोर्थ क्वेश्चन, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें, एक 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 नंबर का आ सकते हैं एग्जाम। अब आइलेट को पूछा इनवर्स एंड लॉग, जब इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन में भिड़ंत होती है तब इनवर्स जीतता, अदरवाइज हर वक्त लॉग आगे रहता, ठीक है ना। तो यहां पे लॉग को, लॉग पहले है और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में है, तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट पार्ट मिला, इसको सेकंड पार्ट मिला। अब फिर फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हो गया लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आई एस, यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। अब देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डीएफ, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स हो गया वन बाई एक्स, और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया डीएक्स हो गया यहां पे। अब यहां पे दिस कैन बी रिटन एज लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस वन बाई टू इज आउट एंड अंदर बच गया सिर्फ एक्स, एक्स डी एक्स बच गया, काटा तो फिर वापस मैं लिखूंगा लॉग एक्स को, यानी एक्स स्क्वायर बाई टू पहले लिख लो थोड़ा अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स हो गया, माइनस वन बाई टू पढ़ा इधर, और एक्स का फिर एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया और प्लस सी हो गया, प्लस सी इज द आंसर। अब ये फाइनल आंसर आपका एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फोर। फटाफट करते रहो अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर फाइव। एक्स लॉग टू एक्स, मैंने सिंपली इसको एडिट कर दिया है, पहले फोर में एक्स लॉग एक्स था, ठीक है दौड़ा हो एक्स लॉग टू एक्स हो गया। अब बच्चों ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन लॉग टू एक्स हो गया, फर्स्ट फंक्शनिंग इंटीग्रल सेकंड फंक्शन सेम हो गया, यहां पे लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाई टू एक्स, और टू एक्स का कोएफिशिएंट टू है तो इसको वन बाय टू एक्स इंटू टू, तो टू से टू वापस कैंसिल हो गया और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड, ये लॉग टू एक्स ये तो सेम हो गया, अब फिर वही एक्स स्क्वायर और एक्स कट गया, ऊपर एक्स बच गया, ये वन बाई टू हैज बीन टेकन आउट, फिर वापस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, वन बाई टू इधर पड़ा, ये सेम हो गया, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर छह की तरफ, सवाल छह क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, आइलेट का फंडा यूज करना ज्यादातर। देखो लॉग को सेकंड नंबर कब मिलता है, जब इनवर्स फंक्शन हो रही है, लॉग आता तब इनवर्स को फर्स्ट लेते हैं, लॉग को सेकंड लेते हैं, अदरवाइज लॉग फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेना। तो अभी आप फर्स्ट फिस्ट क्या हो गया, फिस्ट फर्स्ट फंक्शन हो गया लॉग एक्स, ओके एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स हो गया, और इसका फिर हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री हो गया। अब मैं ये क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा एक्स वाली चीज पहले लिख लूं, नहीं तो पता चला एक्स की पावर लॉग एक्स की पावर फोर कर देंगे, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बाई थ्री करो या वन बाई थ्री कैन बी रिटन आउट सिंपली, माइनस ये क्या वन बाई थ्री बाहर आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर बच गया। अच्छा बिल्कुल सिंपल, वन बाई थ्री एक्स क्यूब लॉग एक्स हो गया, वन बाई थ्री एक्स क्यूब लॉग एक्स हो गया, ये क्या हो गया एक्स वन बाई थ्री इधर है और एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका एक्स क्यूब बाई थ्री यानी कुल मिला के एक्स क्यूब बाई
9 आपका आंसर है प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट कर लो, एक एक मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा लो। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको इंपॉर्टेंट मान लो, इसको आप 2 स्टार रेटिंग दे दो, गिव इट एज 2 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग दे दो। आया वाया कभी कभी, एक दो बार आया हुआ मैंने देखा है क्वेश्चन 4 नंबर का। अब वैसे तो आईलेट को फंडा यूज करे तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मिलता है, साइन इनवर्स एक्स को टी लिया तो वो काफी महंगा पड़ सकता है, मैं आपको थोड़ा बताऊं, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू आप ले लो साइन टी, लेट एक्स इक्वल टू साइन टी, डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। तो डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया, डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस टी डी टी हो जाएगा बच्चों। अब यहां देखो, जब एक्स साइन टी है तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा, देयर फॉर साइन इनवर्स एक्स की जगह टी हो जाएगा, ठीक, ये हम यूज कर लेंगे। अच्छा अब समझ में आया कहानी, एक्स साइन टी तो साइन इनवर्स एक्स इज टी, यानी यहां तो साइन टी लिख देंगे, यहां टी लिख देंगे, ठीक है बच्चों, और फिर डी टी हो जाएगा, तो क्या होगा, दिस आई विल बिकम साइन टी एंड फिर इसका टी हो गया और डीएक्स की जगह कॉस टी डी टी। यहां अब आपको लग रहा यार ये तो पंगा हो गया, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो 3 नहीं है, हम इसको 3 को 2 बना देंगे, साइन टी कॉस टी का जोड़ा होता है तो क्या कर सकते हैं, मैं अभी इसको एक बार और लिखूं, टी साइन टी कॉस टी। अब साइन टी कॉस टी जब आइडेंटिटी नंबर 15 ऑफ 11th क्लास चैप्टर 3 यूज करेंगे, इसको मैं 2 sin t cos t करूं तो साइन 2 t बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यहां पे, तो यहां पे मैं 1/2 कर दूं और या टी और या 2 sin t cos t, 2 sin t cos t लिख दिया, और ये वाली चीज है ना, ये मिलकर साइन 2 t हो जाएगी, समझ में आई कहानी, दिस विल बिकम 1/2 टी इंटू साइन 2 t। अब आप आईलेट वाला फंडा लगाइए, जी भर के लगाइए, आईलेट में किसको मिलेगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री बाद में एलजेब्रा पहले मिल देगा, ये हो जाए 1/2 t। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, 1/2 को भूलना नहीं है जिंदगी में, पढ़ा ना आपके पास, फर्स्ट फंक्शन टी हो गया, साइन 2 t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, मैं टी लिख दिया, साइन 2 t का हो गया कॉस 2 t और बाई 2 हो गया माइनस कॉस 2 t होता है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो गया, और साइन का फिर इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया और 1/2 मैं बाहर लिख दूं, झमेला खत्म, 1/2 ये हो जाएगा कॉस 2 t डी टी, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, माइनस यहां था टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मैंने 1 लिखा नहीं है, साइन 2 t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 t होता है 1/2, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 इज मींस रिटन आउट। अब फर्दर मैं यहां पे इसको पार्टीशन कर देता हूं, इक्वल टू लिख दूं मैं 1/2, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, माइनस टी कॉस, माइनस 1/2 लिख दे खत्म, माइनस 1/2 टी कॉस 2 t, ठीक है, एंड प्लस 1/2 कॉस 2 t का इंटीग्रल होता है 1/2 साइन 2 t, 1/2 मिल गया इंटू 1/2 हो गया साइन 2 t। अब देखो, अब डी टी को मारो गोली, ये प्लस सी आपका आंसर हो गया। हमें यहां पे क्या करना होगा, ये 1/2 कोई दिक्कत नहीं, पूरा ब्रैकेट खोल दो तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट खोला है, -1/4 t cos 2 t +1/8 sin 2 t प्लस सी, ठीक है। अब यहां पे आपने आपका आंसर जो है साइन इनवर्स की टर्म में, यानी साइन की टर्म में आना चाहिए, कोस वाले की टर्म में नहीं आना चाहिए, तो कोस 2 t को आप साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन 2 t को भी साइन में कन्वर्ट कर लो, इसका 2 sin t cos t, फिर वो हो जाएगा उसका कोस 2 t का क्या होता है बताइए, कोस 2 t का भी कर लो फटाफट फटाफट। यहां पे थोड़ा लोचा है, यहां पे इंटीग्रेट किया नहीं है, यहां से वापस इसको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट, सेकंड फंक्शन इज कॉस 2 t/2, फिर माइंड देखो यहां पे क्या होता है, मैं बताऊं, यहां पे
माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इज वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, कॉस टू टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टू टी का कॉस टू टी हो जाएगा, वन बाई टू कर दो, दिस विल बी वन बाई टू, ठीक है बच्चों, ठीक। सम लोचा व्हाट हैपेंड हियर, या माइनस का हो गया, माइनस देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का वन हो गया, साइन टू टू का माइनस प्लस हो गया, वन बाई टू कॉस टू। अभी मैं ये काम करता हूँ, वन बाई टू वन बाई टू फिर बाहर आ गया, तो मैं इसको ये हटा देता हूँ, या वन बाई टू इंटू वन बाई टू, यानी वन बाई टू इंटू वन बाई टू बाहर लिख लो, तो काफी काम ये माइनस का हट जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको पूरा मिटा दे एक बार, लेट्स रब इट ऑफ अगेन, फिर करते हैं कुछ, वन बाई टू फोर का लफड़ा है, वन बाई टू बाहर, वन बाई फोर हो गया बाहर, वन बाई फोर हो गया है, फिर माइनस टी कॉस टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू टी एंड डी टी। अब देखो अब करते हैं, वन बाई फोर बाहर पड़ा है, माइनस टी कॉस टू टी, कॉस टू टी का वन बाई फोर बाहर पड़ा, कॉस टू टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन टू टी बाई टू, वन बाई साइन टू टी बाई टू हो गया बच्चों, ठीक है। अभी अब सही, अब सही, इसको मैं वन बाई टू लिख दूं तो भी मुझे ज्यादा कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। अब यहां पे आपको टेंशन लेना नहीं है, साइन फंक्शन को तो साइन में रखना है, कॉस वाले को आप साइन में कन्वर्ट करना है, फिर टू टी वाले को टी में, दो चीजें याद है, टू टी एंगल टू टी है उसको टी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद जहां जहां कॉस है वहां उसको साइन में कन्वर्ट कर दो बच्चों। तो यहां पे क्या हो गया, देखो वन बाई फोर हो गई, ठीक था ऊपर भी मैंने फालतू में डर गया, माइनस टी। अब कॉस को कॉस टू टी को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो आई नंबर 14 है, कॉस टू एक्स क्या था, कॉस टू एक्स था वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा भी था ना, याद आ रहा है कुछ, तो मैं लिख दूं इसको, टी तो बाहर पड़ा है ना, टी इज आउट, आई राइट वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी इसका, क्योंकि हमारे पास साइन टी की जगह एक्स हो जाएगा और टी की जगह साइन इनवर्स एक्स होएगा, ये वन बाय टू इधर पड़ा है, इसको मैं लिख दूं टू साइन टी कॉस टी, ये चीजें याद रखना, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन में हमने जो एज्यूम किया एंगल हमारा टी है, टू टी नहीं है, उसके बाद साइन फंक्शन है, तो टी टू टी या थ्री टी जो भी है हमको टी में कन्वर्ट करो और बाकी कॉस फंक्शन को भी साइन में लेके आओ, सो देट वापस सब्स्टिट्यूशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहां कॉस पड़ा, इसको बढ़ा दो, टू से टू मार दो, ठीक है, वन बाई फोर इधर पड़ा है, ठीक है, माइनस टी इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी एंड प्लस साइन टी, ये क्या होगा कॉस टी की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर टी। अब यहां देखो अगर यहां पे हमारा एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता तो हम उल्टा करते, सारे साइन को भी हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते, अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये वन माइनस है थोड़ा चिपक गया, वन माइनस टी की जगह साइन इनवर्स एक्स और साइन टी की जगह एक्स लिख दो, वन बाई फोर बाहर पड़ा है, माइनस क्या लिखो साइन इनवर्स एक्स, वन माइनस टू साइन टी की जगह एक्स लिख दिया तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, साइन टी की जगह फिर एक्स हो गया, वन माइनस साइन टी की जगह एक्स हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम आंसर चेक करते हैं किताब में, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 है, वन बाई फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन इनवर्स एक्स, ओके माइनस वन प्लस एक्स इन टू सेवन क्वेश्चन रूट वन माइनस एक्स वो वन बाई फोर तो बाहर देगा। अब यहां पे बिल्कुल सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इसका माइनस है ना, इसका माइनस एक कॉमन या प्लस हो गया तो वो कोई दिक्कत नहीं, वन बाई फोर बाहर ही पड़ा रहे, तो आंसर सेम हमारा आ गया, दिस द आंसर वन बाई फोर इज आउट, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस अंदर भेज दिया, साइन इनवर्स एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इन टू, दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू स्टार रेटिंग आप दे सकते हैं इसको, ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है,
Question number 8, I have already written solution for you. X tan inverse x dx. तो इसमें इनवर्स फंक्शन में आप आईलेट को जब आप यूज करते हैं, आईलेट वाले को, आईलेट में इनवर्स का सबसे पहले नंबर आता है। तो टेन इनवर्स एक्स को पार्ट वन ले लिया, टेन एक्स को पार्ट टू ले लिया। नाउ फिश डी फिश का फंडा लग गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज टेन इनवर्स एक्स एंड सेकंड फंक्शन इज एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इक्वल बाई टू। Df, differentiation of first function, that is tan inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square into integration of x, that is x square by 2. अब यहां पे आप देखो, ये 1 by 2 I have taken out, ऊपर बच गया x square. ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आते हैं, जैसे आपको आया x square by 1 plus x square, आप इसमें 1 ऐड करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको ऐसे कर दे, ठीक है। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो, तो दिस बाय दिस आपको वन देगा और वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब काफी आसान हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और ये टेन इनवर्स एक्स का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टेन इनवर्स एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन दो नंबर का है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको सिंगल स्टार रेटिंग दे सकते, दो नंबर का एक बार आया भी है। क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, क्वेश्चन 7 में एक्स साइन इनवर्स एक्स था, जब आपने एक्स इक्वल साइन टी लिया था या एक्स इक्वल कॉस टी ले लो, बिल्कुल वैसे ही और उसी तरह से बनेगा। ये मैं ले लूं एक्स इक्वल टू, मैं अगर ले लूं एक्स इक्वल टू कॉस टी, ठीक है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स विल बिकम माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स मैं अगर लिख दू, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वो क्या होगा बताइए, तो टी बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स को कॉस टी लिया ना, कॉस इनवर्स कॉस टी, तो दैट गिव्स यू टी, तो यानी एक्स को तो मैं कॉस टी लिख दू और कॉस इनवर्स एक्स को टी, या फिर लिख दे ऐसे, और यहां से भी कर सकते हैं टी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, टी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ओके, चलो टी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा ये वाला, ओके, ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टी हो जाएगा, चलेगा ऐसा भी लिखो, चलेगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन इसको यूज करेंगे, ठीक, तो हमारा आई क्या बन गया, आई हैज बिकम माइनस, देखो एक्स इज कॉस टी लिख दू, अच्छा कॉस इनवर्स की जगह टी लिख दे, ओके, डी एक्स की जगह माइनस साइन टी डी टी, तो माइनस कैन बी रिटन आउट, तो मैं लिख दू साइन टी डी टी हो गया। अब यहां पे एक दो तीन, तीन फंक्शन हो गए, तो ये तीन फंक्शन को उसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, नाइन सेवन क्वेश्चन में क्या कहता है, उसमें भी ऐसे ही था ना, तो मैं इसको टी को अलग कर दू, फिर साइन टी कॉस टू हो गया, कॉस टी हो गया ना, तो फिर इसको टू साइन टी कॉस टी कर देंगे। तो अभी मैं ये काम करूं, मैं माइनस का ये वन बाई टू बाहर लिख दू, टी इधर लिख दू, एंड टू साइन टी कॉस टी अगर मैं यहां लिख दू, ठीक है, तो दिस विल बिकम माइनस वन बाई टू, एंड ये हो जाएगा टी इंटू साइन टू टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप बखूबी कर सकते हैं, ठीक है, आईलेट में एलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बात, दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू, काफी आसान अब आप कर सकते हैं। स्टार्ट करो ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन करते रहो फटाफट फटाफट। हाँ, यहां तक अभी आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू बच्चों, ठीक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी इज माइनस कॉस टू टी बाई टू, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का डिफरेंशिएशन वन, साइन टू टी का फिर माइनस कॉस टू टी बाई टू हो गया। अब यहां पे ये मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज माइनस वन बाई टू टी कॉस टू टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया वन बाई टू कॉस टू टी। अब यहां पे मैंने देखो या माइनस ज्यादा, मैंने माइनस इंटू माइनस प्लस करके वन बाई फोर मैंने कॉमन ले लिया,
वन बाई फोर को या कॉमन ना ले तो पूरे को मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर दो, ये वन बाई फोर टी कॉस टू डी, माइनस वन बाई फोर इंटीग्रल वन कॉस टू डी, ठीक है ना। देन अभी कोई माने वन बाई टू बहा लिया तो वन बाई फोर आ गया, इधर टी कॉस टू डी माइनस कॉस टू डी आ गया। फिर कॉस टू टी का इंटीग्रल आपको पता वन बाई टू साइन टू टी होता है। इतना जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हो उस वक्त आप कॉस टेन लगाना सी। इसके बाद क्या बच्चों में ध्यान रखना, आपका इतना हो गया ना, आपको चार में से तीन नंबर तो अभी आपको दे देगा कोई, ठीक है। अब आपको टी की जगह तो क्या करेंगे, वेरिएबल टी है तो टी को आप एक्स वाले में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज, जहां जहां साइन दिख रहा है वहां वहां आप कोस लाएंगे। और एक चीज, कभी टू टी मिला, कोस टू टी साइन टू टी ऐसा मिला तो टू टी को टी में कन्वर्ट करो फिर एक्स में लेके आओ। तो इसके लिए आपको आइडियल नंबर 14 बड़ी काम की है, कोस टू एक्स इन टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कोस टू टी जगह टू कोस स्क्वायर टी, क्योंकि वैसे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी भी होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ हमारा इंटीग्रेंड जो है कोस फंक्शन में है, कोस इनवर्स में, तो हम कोस में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। अगर देखो सेवन कोस में साइन इनवर्स एक्स था तो कोस टू टी का हमने क्या लिखा, वन माइनस टू साइन इसको टी लिखा ना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा। यहाँ पे वन बाई टू साइन टू टी की जगह टू साइन टी कोस टी लिख दिया और टू से टू कैंसिल हो गया। अब साइन फंक्शन को कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन सेवन में कोस को साइन में लाया था, साइन टी इक्वल टू रूट वन माइनस कोस इसको टी, सब हो गए। देखो अभी टू टी वाला टी में हो गया और सब जगह कोस कोस, या तो कोस फंक्शन है या टी ओनली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, टी की जगह तो कोस इनवर्स एक्स और कोस टी की जगह एक्स डाल देंगे। टी है तो मैं भी क्या लिखूँ आपको, मैं लिखूंगा वन बाई फोर, टी की जगह लिख देंगे कोस इनवर्स एक्स, इसकी जगह क्या कोस टी की जगह, तो सॉरी कोस टी की जगह एक्स है ना, तो दिस विल बी टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, जहां जहां कोस टी वहां मैं एक्स लिख दूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स। ये आपका आंसर है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आराम से करना। इंपॉर्टेंट है एक नंबर का तो क्या है, सिंगल स्टार दे दूंगा, आएगा तो चार नंबर का आंसर, ठीक है। सेवंथ एंड नाइन्थ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे, उसके बाद टेंथ क्वेश्चन भी देखते हैं, टेंथ सब करते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स ऑल इज कॉल, यहां पे देखो ये सेवंथ क्वेश्चन है, नाइन्थ है, टेंथ है, बिल्कुल लगभग एक जैसे ही। मैं आपको बताऊं, आप पहले बाबर डर ना नहीं, प्रैक्टिस करो और स्टार्ट करके तो देखो। तो मैं अभी यहां लिख दूं लेट एक्स इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो हमारा साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह हमारा क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन में इसको काम देंगे तो dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx इक्वल टू cos t dt, बिल्कुल डरना नहीं है, आपको आंसर आएगा। सिर्फ आपको 11th क्लास की आई नंबर 14 याद रखना, 15 याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी हुआ, बाई पार्ट भी हुआ, डबल कंसेप्ट यहाँ लगा, ठीक है। तो i क्या बना, ठीक है, इसको मैं थीटा स्क्वायर लिख दूं, थीटा स्क्वायर एंड डी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, यानी इसको अलीदा पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर शुरू कर दो। फिश दी फिश वाला फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस थीटा, इंटीग्रेशन हो गया साइन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू थीटा, और इसका हो गया कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, टू थीटा का कॉस थीटा साइन थीटा, टू मैं बाहर लिख दूंगा, ठीक है, आई लाइक टू आउटसाइड, टू थीटा का टू मैं बाहर लिख दू तो आप मुझे मना नहीं करोगे, तो टू थीटा इसका हो गया साइन थीटा। चलो बच्चों अब फिर देखो क्या थीटा फीटा मान बोली, टी स्क्वायर एक्स को साइन टी धर दी थी, टी स्क्वायर ओ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर
साइन टी वो था, मतलब आप इसको एक्स को साइन थीटा लेते, ठीक है, टी स्क्वायर साइन टी हो गया, टी साइन टी, टी स्क्वायर का टू टी और ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, टी स्क्वायर साइन टी यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल टी स्क्वायर टू टी टू एज रिटन आउट। फर्दर वही कार्यक्रम चालू रखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, ये हमारा काम साधन चलता है, टी स्क्वायर साइन टी चलता रहेगा, माइनस टू बाहर पड़ा है फर्स्ट फंक्शन टी और इसका साइन टी का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस टी, मैं लिख दू माइनस टी कॉस टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का टी हो गया, टी का वन, टी का वन हो गया, साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी, तो कॉस आई लाइट ये प्लस कॉस टी, ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोल लो और यहां पे माइनस का बन जाएगा टू कॉस टी का, ठीक है, चलो करें, टी स्क्वायर साइन टी एंड ओपन ब्रैकेट माइनस प्लस प्लस टू टी कॉस टी और उसके बाद माइनस टू और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी का साइन टी, तो दिस विल बी माइनस टू साइन टी प्लस, ठीक है ना। अब देखो, अब आप शुरू कर देखो, अब मैंने वही बात बताई थी, आप वही चीज ध्यान रखना, हमारा गिवन इंटीग्रेंड साइन इनवर्स एक्स है तो हमारे को कॉस टी नहीं चाहिए, हमें साइन फंक्शन में सारे कन्वर्ट कर दे, तो मैं वापस लिख दूं टी, टी स्क्वायर चलेगा साइन टी चलेगा, टी स्क्वायर हो गया साइन टी हो गया प्लस टू टी, ये कॉस टी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या लिख कॉस टी की जगह वन माइनस साइन साइज साइन स्क्वायर टी, कॉस टी की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर टी स्क्वायर रूट वाला, ठीक है, टू टी रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी बन गया एंड वो क्या है माइनस टू साइन टी। अब आप बच्चों, जहां जहां टी वहां साइन इनवर्स एक्स और साइन टी की जगह एक्स, तो यहां पे मैं लिख दू टी की जगह साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर और साइन टी की एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर टी की जगह साइन टी की एक्स इंटू एक्स, टू टी, टू टी मतलब टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर टी मीन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन टी मीन माइनस टू एक्स प्लस एक्स। एक बार आंसर मैच कर लो अपने, एक बार आंसर मैच कर लो, मैं भी मैच करता तो आप भी मैच कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टेन का साइन इनवर्स होल स्क्वायर टू एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, दैट इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर टेन आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन इलेवन एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, तो नोट करो फटाफट, वीडियो को पॉज करके सारे सॉल्यूशन बच्चों नोट करते रहना। क्वेश्चन 11 ये एग्जांपल मैंने आपको करा था, एग्जांपल 12 की तरह है, इट इज लाइक एन एग्जाम, एग्जांपल व्हिच एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल नंबर 20 की तरह है, एग्जांपल 20 में x sin inverse x डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया था, तो आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कई तरीके, इसको कॉस इनवर्स एक्स को भी टी ले लो तब भी हो जाएगा, या एक्स इक्वल टू कॉस टी ले लो तब भी हो जाएगा, आपको एक पर एक ही टाइप की आप आदत डाल दो, तो तुम्हें अभी लेट एक्स इक्वल टू मैं लिख दू कॉस टी, ठीक है, तो डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, तो टी गुण क्या बन जाएगा वापस एक्स गुण कोस, टी गुण कोस इनवर्स को तो वापस आने को देखो टी गुण कोस इनवर्स, वो बाद में जरूरत पड़ेगा। तो हमारा आई क्या बना, आई देखो एक्स इज इक्वल कोस टी डालोगे कोस टी और कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टी डालोगे और डी एक्स की जगह क्या डाले अभी वो बाद में करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो वन माइनस कोस स्क्वायर टी और डी एक्स की जगह माइनस साइन टी डी टी,
माइनस साइन टी इतना हो गया। अब यहां पे रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी यानी वो बनेगा साइन टी, क्योंकि साइन स्क्वायर टी स्क्वायर रूट है ना। ठीक बच्चों, तो यहां पे ये माइनस मैं बाहर भेज दू, माइनस कैन बी सेंट आउट, ऊपर बन गया कॉस टी इंटू साइन टी, नीचे साइन टी बच गया, बी टी बच गया, साइन टी से साइन टी खत्म हो गया। अब तो माइनस टी कॉस टी आपका ये बन गया। अब बाई पार्ट लगाइए आप, बाई पार्ट में क्या होगा सोचो, जरा सोचो ठीक है। बाई पार्ट में किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे देखो आप, नोट करो फटाफट फटाफट। ठीक, अब यहां पे कर लिया आपने पार्ट वन, आइलैंड का फंडा लग गया पार्ट वन पार्ट टू हो गया। फर्स्ट फंक्शन फिश टी का फर्स्ट फंक्शन टी लिख दिया, कॉस टी का साइन टी होता है, एंड फिर वहां पर टी का डिफरेंशिएशन वन एंड कॉस टी का वहां पर साइन टी होता है। बच्चों ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में और यह थोड़ा लफड़ा है, डिफरेंशिएशन में साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी, इंटीग्रेशन में कॉस टी का प्लस में आता है साइन टी और साइन टी का माइनस कॉस टी होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, इंटीग्रेशन कॉस टी का साइन टी होता है, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है। ठीक, अब यहां पे कुछ नहीं किया मैंने, ये अब ब्रैकेट खोल दिया, और ब्रैकेट खोलने के बाद में देखो यहां पे साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, साइन टी का माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, अब पूरा ब्रैकेट खोल दिया बिकॉज देयर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड। अब हमारे पास एक ही काम, आगे सोचो क्या, वीडियो पॉज करके सोचो क्या हमारे पास कमी है। हमारे को जो दिया है वो कॉस फंक्शन है, कॉस इनवर्स है, तो जहां जहां साइन है उसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे माइनस टी साइन, देखो आपने कॉस टी अज्यूम किया है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, साइन टी की जगह ये लिख दिया एंड माइनस कॉस टी प्लस। अब यहां पे टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस टी की जगह एक्स हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं 12 की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा ठीक कर लो, 11 हो गया, 12 चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स सेक स्क्वायर एक्स, बताओ किसको पार्ट वन लेंगे किसको पार्ट टू लेंगे। देखो आईलेट का फंडा है, फर्स्ट आईलेट में एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। आई लेट एल्जेब्राइक ये तो बहुत होता है, एल्जेब्राइक आते एटी इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड, लेकिन 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 क्या आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है? आता है बहुत बच्चों को आता है, आपको नहीं आता तो क्या हुआ। तो मैं लिख दूं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सोचो क्या आपने भी सोचा था। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन एक्स। अब आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, शुरू में पढ़ा था भूल गए, टेन एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स होता है या माइनस का लॉग ऑफ कॉस एक्स होता है। यहां पे एक्स टेन एक्स माइनस पर माइनस माइनस प्लस हो गए ना, कर दू या भी एक बार माइनस का क्या करें, चलिए माइनस का लॉग ऑफ कॉस एक्स हो गया। चलो बच्चों x tan x आंसर आया और प्लस log of cos x भी आंसर आ गया है, ये आपका आंसर है, छोटा सा था एक नंबर का बनता है। क्वेश्चन 13 में tan inverse x कहीं देखा नहीं, अकेला log x अकेला देखा, इंटीग्रेशन नहीं देखा, तो नहीं देखा तो इंटू वन कर दो, कौन पूछता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा वन इंटू टेन इनवर्स एक्स, अब लगाओ
आइलेट में, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन, यहां पे एफ को ऐसा करना जैसे लॉग एक्स में क्या करते थे, लॉग एक्स में अलजेब्रा लॉग एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन लेते थे, तो यहां पर टेन इनवर्स, इनवर्स सबसे पहले, इनवर्स सबसे पहले, तो इनवर्स को पहला नंबर दे दो, और इसको ये एलजेब्रिक फंक्शन माना जाता है, वन, वन का मतलब होता है एक्स का पावर जीरो, विच इज एलजेब्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेट टू सेकेंड फंक्शन, टेन इनवर्स एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, एक्स टेन इनवर्स एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन हुआ एक्स। अब यहां पे क्या हुआ, इसको थोड़ा देखो, इसको लिखो एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, मैं यहां लिख दू एक्स वाई वन प्लस एक्स। अब देखो यहां पे ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, इसको अब टी रखें, इसको टी रखें तो टू एक्स डी एक्स होता है, तो एक्स डी एक्स टू एक्स नहीं, फिर वन बाई टू हो जाएगा, कहने का मतलब मैं यहां टू पहले लिख दू या वन बाई टू भी पहले लिख दू, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसको टी लेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए, टू एक्स डी एक्स डी टी, तो यहाँ डी टी बाई टी होगा, तो लोग टी हो जाएगा, यानी लोग वन टू एक्स डी, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोग ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, तो मैं सीधा लिख दू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लोग ऑफ, मोड लगाने जरूरत नहीं बिकॉज वन प्लस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और यहां रीजन डाल देना सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स दैट गिव्स अस लॉग ऑफ, ये आप कारण डाल देना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ठीक है, जस्ट अदरवाइज आपको सब्स्टिट्यूट लिखना पड़ेगा, काफी माता पर करनी पड़ेगी, दैट द आंसर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू वन प्लस एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, एक बार आंसर चेक कर लो, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अब साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, तीनों का इंटीग्रेशन आप थोड़ा याद रख लो, रट लो, कोविड एग्जाम काम आएगा, मैं लिखवा दूंगा इस चैप्टर के अंत में। 14 क्वेश्चन, एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, अब आइलेट को यूज कर लो, लॉग पहले एलजेब्रा के बाद में, तो लॉग एक्स होल स्क्वायर मैं पार्ट वन ले लू, इसको मैं ले लू पार्ट टू, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, लॉग एक्स होल स्क्वायर हो गया टू लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स वन बाई एक्स, तो बच्चों अब देखो यहां पे भी मैंने पार्ट हो गया, अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, पावर का करें टू लॉग एक्स, अब पावर तो हो गया, फिर लॉग एक्स वन बाई एक्स हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, या अब ये ध्यान रखो, ठीक है ना, ये तो है इसका बी एफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी लॉग एक्स होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन, अब यहां पे देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, आपको क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस, कुल मिलाकर मेरे पास बच गया एक्स लॉग एक्स, फिर बाई पार्ट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस, फिर वही कहानी वन एंड टू, पार्ट वन पार्ट टू, अब यहां हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका और क्या हो गया वन बाई एक्स, इसका फिर एक्स स्क्वायर बाई टू, देखो अभी कितना अच्छा लगेगा आपको, हाउ मच इज दिस, दिस इज अगेन वन बाई टू, ये एक्स खत्म हो गया, वन बाई टू बाहर चला गया,
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये माइनस वन बाई टू इज आउट और अगर एक्स था एक्स का इंटीग्रेशन फिर हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई टू बाहर नहीं लिया माइनस का, ठीक है, और अंदर x बच गया, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई टू हो गया और प्लस c लिख दो। अब आप विदाउट एनी हेजिटेशन ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर बाई टू लॉग x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल दो, x स्क्वायर बाई टू लॉग x माइनस वन प्लस हो गया प्लस वन बाई फोर x स्क्वायर प्लस c, मस्ट बी योर आंसर। क्वेश्चन 15, एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू लॉग एक्स डी एक्स, आई लेट मी यूज कीजिएगा, लॉग एक्स हमेशा जीतता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चक्कर में, तो ये वाला ऐसा हो गया, तो अभी मैं इसको ऐसे लंबा लंबा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया पार्ट टू, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इन टू इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री और प्लस वन का इंटीग्रेशन इज एक्स, हो गया ये फिश एफ आई एस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ये फिश वाले काम हुई है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का वन बाई एक्स और बाकी आई एस वाला कॉपी एंड पेस्ट कर दो, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स इंटू डी एक्स, जस्ट ओपन इट, ओपन द ब्रैकेट, लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस एम ओपनिंग द ब्रैकेट, क्या मिला आपको, ये मिल गया एक्स स्क्वायर बाई थ्री, दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर बाई थ्री एंड प्लस वन बन गया, ठीक, अलग अलग कर लो इसको, इसको अलग अलग कर लो, ये ऐसे भी कर लो चलेगा, लॉग एक्स कितना आसान, सप्ले में भी सोचा नहीं था, माइनस वन बाई थ्री आउट इसका एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स हो गया माइनस वन इंटू डी एक्स हो गया, जस्ट इंटीग्रेटिंग, वेरी वेरी इजी, लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस वन बाई थ्री है, ऐसा पड़ा वन बाई थ्री दिया इसका एक्स क्यूब बाई थ्री हो गया माइनस एक्स प्लस सी, फिर क्या बोला आपका, लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस वन बाई नाइन एक्स एक्स क्यूब इट लुक्स लाइक इन टू एंड माइनस एक्स प्लस सी इज योर आंसर, जस्ट नोट करो फटाफट। अब आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, नए टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस कभी आए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और उसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी एक फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन भी उस ब्रैकेट में अवेलेबल होगा, तो उसका आंसर ई एक्स इंटू एफ एक्स आएगा। आपके बुक में प्रूफ भी दे रखा है, मैं आपको प्रूफ में कराऊंगा नहीं, ठीक है ना, आप खुद प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक बार एक दो साल को छोड़ के और एक क्वेश्चन आता हर बार चार नंबर का, ठीक है, कभी कभी छोटा है तो दो नंबर का भी आ जाता है, तो ये याद रख लो ई एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा कोई दिक्कत, आपको पहचान में पता लग गया कि इसमें एक एफ एक्स है और एक एफ डैश एक्स है, तो आंसर आपका ई एक्स एफ एक्स आएगा। तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस, क्वेश्चन 16 में कैसे करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स फिर ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ओके डी एक्स। अब इसमें बताओ कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो टेकिंग में बताओ आपको सिंपल सिंपल ये दो नंबर का बनता है, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया कॉस एक्स हो गया ना, तो हमारा फिर नीचे लिखना इंटीग्रेशन द इंटीग्रिटीज ऑफ द फॉर्म क्लियरली, ये अंग्रेजी जरूर लिखना नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा, नहीं तो एक और तरीका आपको पूरा करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मैं वो मेथड भी आपको बता दूंगा, आप दोनों में करना क्लियरली, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म कोर्स ऑफ फॉर्म, ये वाला
ex into fx plus f dash x, ये अंग्रेजी लिखना dx, और ठीक है, सो therefore ex into fx, ex into क्या हो जाएगा fx, सो फिर लीजिए लेना, सो therefore इंटीग्रेशन ऑफ ex sin x plus cos x, वेरी इजीली बहुत आंसर आ गया आपका dx इक्वल टू क्या हो गया ex fx को नहीं है ना, ex fx sin x, ex sin x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा क्वेश्चन हो गया और आपको पता ही नहीं चला उसमें कैसे मैं करूं, वैसे ये आपकी एनसीईआरटी बुक में स्टैंडर्ड मेथड में एक एग्जांपल कर रखा है, उसने बता रखा आप यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी करता हूं, ठीक है बच्चों, देखो ये आपने नोट कर लो, इसको दूसरे तरीके से करते, इसको आप ब्रैकेट खोल लो, इसको ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स दो लिंग ई एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब कैसे करेंगे आप, ठीक है, अब आपको इसको तो रहने दो, इसको करो, ठीक है ना, ये एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स वाले को रहने दो, कुछ मत करना, इसको छेड़ना नहीं, इसको छेड़ना, इसमें आप आईलेट का फंडा लगाएंगे, आईलेट में ई एक्स तो सबसे लास्ट में आता है ना, आईलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड फंक्शन ले लेना और इसको फर्स्ट फंक्शन, देखो क्या मिलता है आपको, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, इसका करेंगे इसका साइन एक्स एंड इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन दैट ई एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस इसका साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स, ठीक है, प्लस हो गया ये वाला, ये हमारा इसका इसका माल ये, फिर प्लस मैं लिख दूं ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो ये माइनस का और प्लस का सेम क्वांटिटी, ये एक दूसरे को मार डालेंगे, प्लस सी तो आप करेंगे, ठीक है ना, तो योर आंसर इज साइन एक्स ई एक्स, अगेन वैसे भी आएगा साइन एक्स ई एक्स, यही एक्स इंटू साइन एक्स, तो आपको कभी ऐसी नौबत आए आपको समझ नहीं आ रहा, आप इनको अलग अलग कर लो, कोई टीचर खुश नहीं होता है, आपने शॉर्टकट क्यों मारा था, आप एक काम करो, इसको दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस लिख दो, और ये वाला है ना एफ डैश एक्स वाले को छेड़ना नहीं है, एफ एक्स वाले को छेड़ना, उसको फिर आप बाई पार्ट फिर करना, टेकिंग ई एक्स एज सेकंड फंक्शन और बाकी वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर 17, मैं आपको एनसीईआरटी बुक वाले तरीके से कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 17, एक क्वेश्चन, जब आपको ई एक्स मिले कुछ मिले तो आपके दिमाग में शक का कीड़ा अंकुरित होना चाहिए कि क्या यार ई एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला लफड़ा तो नहीं यहां पे, बिल्कुल वही, थोड़ी आपको हेरा फेरी करनी पड़ेगी, आप मैं ई एक्स यहां लिख दूं और ब्रैकेट में मैं एक्स प्लस वन एंड माइनस वन कर दूं तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और बाई मैं कर दूं एक्स प्लस वन लिखो वन प्लस एक्स लिखो क्या फर्क पड़ता, वन प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स करो। अब देखो ई एक्स तो बाहर पड़ा है, मैं दिस बाई दिस दिस बाई दिस करूंगा, एक्स इज आउट, एक्स को तो रख लो ऑफ, ये क्या बनेगा वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक ब्रैकेट गोल ब्रैकेट और है तो मैंने इसको अंदर वन प्लस का होल स्क्वायर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया और कुछ काम नहीं किया, ठीक है ना, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, अब ये कटा वन बाई वन प्लस एक्स बचा ना, तो दिस विल बिकम ई एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा है कौन इसमें एफ एक्स लग रहा है, पता ही है ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है ना, तो इसका आंसर था आप एमसीक्यू में तो सीधा भी ठोक सकते हैं, तो टेकिंग टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या बन गया वन बाई माइनस का डिप्रेशन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर होता, ठीक है ना, तो ये आपको मिला है एफ एक्स, ये पढ़ा था एफ डैश एक्स, फिर लिखना दिस इज क्लियरली दिस इज
of the form ex fx plus f sx, therefore integrand is like that. ठीक है, लिख लो फटाफट लिख दो, वीडियो पॉज कर आप लिख डालो, अब आप लिख लो, क्लियरली इट इज ऑफ द फॉर्म ex fx plus f dash x plus ex fxc, therefore given integration लिख दो फटाफट, ये वापस लिखना, ठीक है ना, the, या फिर i equal to ex into 1 by 1 plus x, और 1 by 1 plus x को आपको 1 plus x को ex के नीचे घुसा दो, ठीक है, और that's the answer. Let's move on to question number 18, 19, 20 काफी important question है, फटाफट इसी तरह के, ठीक है, इसी तरह का question है, 18 क्वेश्चन काफी मजेदार है, मैं इसको 3-star रेटिंग दूंगा, आई विल गिव इट एज 3-star रेटिंग, 3-star, तीन तारे एक से शक होना चाहिए आपके दिमाग में, शक का कीड़ा अंकुरित हो जाना चाहिए कि इस तरह का कुछ हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करा, मैं इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट करता हूं, मैं करता हूं न्यूमरेटर को स्प्लिट, ex लिख दिया, यहां लिख दिया 1/1 plus cos x plus साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर को तोड़ डाला, अब हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, 1 की जगह 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मत पूछना कैसे आया, साइन एक्स को कर दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, अब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, dx लिख दो, ये क्या हुआ, ex तो हुआ ही हुआ है, ये 1 बाई 2 इधर पड़ा, sec स्क्वायर x बाई 2, 2 को 2 खा गया, cos स्क्वायर sin x बट cos x बट बन गया, आपके लिए बच गया tan x बाई 2, ठीक है, dx हो गया। अब यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2 इनटू 1 बाई 2, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है बच्चों, तो मैं टेकिंग, मैं ये लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट, मैं इसमें एडिट कर रहा हूं, टेकिंग एफ एक्स को टेन एक्स बाई 2 ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, टेन एक्स बाई 2 का sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन फिर से होता है 1 बाई 2, क्लियर, अभी लिख दो क्लियरिटी ऑफ द फॉर्म ex fx plus f dash x plus c, therefore यहां लिख दो, therefore integration of ex 1 plus sin x by 1 plus cos x, ठीक है, ex into fx कौन है, ex into tan x by 2, यह आपका आंसर है, नोट कर लो, 3-star रेटिंग, 4 नंबर तो आराम से आप फ्री के कमा रहे, फ्री के 4 नंबर कमा लिया आपने। क्वेश्चन 19, ex into 1 by x minus 1 by x, इसको बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, एक नंबर का बकवास, मतलब एक नंबर का आता है, एक नंबर का बकवास भी मानते आते हैं, तो अभी ये एफ एक्स एफ डैश क्या देखे थे, मतलब इसका सॉल्यूशन यहां देखना चाहिए, बट मैंने पहले ये कहा मैं सिर्फ एडिट कर रहा हूं, तो मैंने अपना मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए 1 बाई एक्स तो एफ डैश एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, देयरफॉर ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सीधा डी एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस सी, और यू कैन राइट ई एक्स बाई सी, योर आंसर ई एक्स बाई एक्स प्लस सी, दिस द आंसर, फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाओ, ऐसा क्वेश्चन एक आता है 17-18 टाइप का। क्वेश्चन 20, एक्स माइनस 3 इंटू ए ई एक्स बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़े, कुछ अलग करना पड़े, वैसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, अभी मैं इसमें बता दूं, क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेड है, 18 इंपोर्टेड है, 19 इंपोर्टेड, 19 तो ऐसा नहीं है, 17, 18, 20, ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो x माइनस 1 है ना, तो मैं क्या करूं, इसको आपको मैं कर देता हूं x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, इसको अलग कर दे, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्यूब कर दो, अब दिस बाई दिस स्प्लिट कर लो, ex इंटू मैं लिख दू इसको x माइनस 1 बाई x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा,
बड़ा ब्रैकेट कर दो, माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का क्यूब डी एक्स, ये क्या बन गया, ई एक्स इंटू दिस इज वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का क्यूब हो गया डी एक्स। अब देखो इसको आप एफ एक्स माने, इसका डिप्रेशन क्या होगा एक्स माइनस वन का, मैं कर दू कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वन का वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स क्या बन गया, इसको माइनस टू मान लेना, देखो मैं अभी आपको थोड़ी, दिस विल बी एक्स माइनस वन का पावर माइनस टू है, तो ये एफ एक्स क्या हो गया माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन का पावर माइनस टू से एक कम, क्या होता पावर रहता है ना, पावर कम हो गया ना, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन तो बन गया माइनस का थ्री, दिस इज माइनस थ्री, कुल मिला के बना है माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का क्यूब। देखो ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो गया, तो दैट मीन्स यानी ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स अवेलेबल है, तो देयर फॉर इसका आंसर इक्वल टू क्या हो गया ई एक्स, एफ एक्स कौन है ये वाला ई एक्स इंटू वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, या सीधा ई एक्स इंटू क्या ई एक्स बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी विल बी योर आंसर। नोट करो फटाफट, थ्री स्टार रेटिंग दूंगा मैं इसको क्वेश्चन को, क्वेश्चन 20 हैज थ्री स्टार रेटिंग, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन 20 शुड बी 21 क्वेश्चन नंबर है, ई रेस टू टू एक्स इंटू साइन एक्स बच्चों, ठीक है। तो 21 में अभी आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको ई एक्स साइन एक्स वाला कुछ फंडा मिले या ई एक्स कॉस एक्स एक्स वाला कुछ फंडा मिले, आप इनमें किसी को भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ले सकते हैं, ओवर रूलिंग द आइलेट रूल, ठीक है, उसको ओवर रूल कर सकते हैं, तो वैसे आपका आंसर सेम आएगा दोनों केस में, ठीक है ना, देखने में अलग लग सकता है बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो आंसर विल बी सेम। मैंने इसको पार्ट वन लगा दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू टू एक्स इंटू टू होता है, वो इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स बाई टू होता है, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो मैं इसको अगर आई ले लू फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, तो टू कैन बी रिटन आउट, थोड़ा दूर लिख दूं, e रेस टू टू एक्स हो गया इंटू टू, मैं यहां नहीं लिख के बाहर लिख दूं, साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है ना, ठीक है, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो वो मैंने बाहर लिख दिया, माइनस का प्लस हो गया कॉस एक्स हो गया, ठीक है। सेम कहानी यहां रिपीट करेंगे, फिर अभी आप उल्टा मत करना, इसमें एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लिया तो यहां पर भी एक्सपोनेंशियल को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 21 में आपने यहां तक कर लिया, अब बच्चों सेम चीज जिसमें आपको जिसको फर्स्ट पार्ट माना था उसको यही सब फर्स्ट पार्ट मानना है, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लिया है तो इधर भी फर्स्ट लेना है, ट्रिग्नोमेट्री वाले को इधर सेकंड लिया तो यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री सेकंड लेना, नहीं तो आपको लोचा हो जाएगा। तो ये ठीक है, इसको मैंने फिर किया है तो टू बाहर लिख दिया, फर्स्ट टू एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, माइनस ई रेस टू टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू टू एक्स इंटू टू मैंने बाहर लिख दिया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया। जरा गौर फरमाइए ये क्या है और ये क्या है, ये ऊपर जो दिया हुआ ये हमारा आई है, दिस इज आई, आई विल राइट माइनस टू आई, जो गिवन इंटीग्रेशन वो आई है, ये भी हमारा आई है माइनस ई रेस टू टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस टू आई प्लस सी कर लो यहां पे, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसको थ्री स्टार रेटिंग दे दो, मार्क करते रहना, पूरा ब्रैकेट खोल लो, आई क्या हुआ माइनस ई रेस टू टू एक्स कॉस एक्स हो गया प्लस टू इंटू ई रेस टू टू एक्स साइन एक्स, टू टू जा फोर माइनस फोर आई
प्लस सी। अब 4i उधर चला गया, 5i बन गया, तो 5i इक्वल टू, अब एक काम कर लो, e रेज टू 2x कॉमन भी ले लो, e रेज टू 2x कॉमन ले लो, क्या आया माइनस कॉस एक्स प्लस 2 sin x प्लस सी, तो आई विल बी वाट 1/5 या ई रेज टू 2x बाई 5, मैं थोड़ा माइनस वाला बाहर दे रही हूं, 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी मस्ट बी योर आंसर। एक बार मैं भी चेक कर लू 21 का आंसर कितना है, बिल्कुल सही जवाब, अगले राउंड में पहुंच गए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। 21 खत्म, 22 की तरफ अपना रुख अग्रसर करते हैं। ये क्वेश्चन 3-स्टार रेटिंग टाइप का इंपोर्टेंट लग रहा मुझे। 22 sin inverse 2x by 1 plus x, तो बच्चों ध्यान रख लो यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो ऐसा शक्ल देखो साइन इनवर्स, अगर यार साइन फंक्शन आ जाए तो हमारा गुजारा हो जाए, क्योंकि साइन इनवर्स से पीछा छूट देगा। तो आपने किसी जमाने में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, अभी बताऊंगा क्या पढ़ा था। तो dx इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया, थीटा रख दो t रख दो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, टी अच्छा है ना, टी अच्छा, तो टी रख दो, टेन, अरे टी और टेन साला एक जैसा लगा, ओके थीटा ही रखते इस बार। बच्चों तो आई क्या बना, साइन इनवर्स 2θ/1 plus 10² θ, ये तो हो गया, x की जगह 10θ रखता, dx की जगह sec इसको थीटा रखा। हाँ अब बताइए किसी जमाने में आपने क्या, ओ सॉरी दिस इज 2 tan θ, एक्स की जगह 10θ, 2 tan θ 1 plus 10² θ क्या था, साइन 2θ था, साइन 2θ था, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2θ sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो यहां पे भी लिखना चाहिए ना, साइन इनवर्स साइन 2θ, 2θ बन गया, 2θ का मैं 2 बाहर लिख दूं, 2 बाहर लिख दूं आपके कहने से, थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से नहीं कहीं किया था, क्या नहीं था, हमारे पास ऐसा आया था, बाई पार्ट करो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, हाइलाइट का फंडा यूज किया, 2 इज आउट, फर्स्ट फंक्शन थीटा किसका, ये 10θ, माइनस डिफरेंशिएशन इसका क्या है 1, इसका 10θ, डरना बिल्कुल नहीं, 10 का क्या होता है माइनस log ऑफ cos x, ठीक है ना, 2 into θ tan θ माइनस log ऑफ cos x, मैं लिख दूंगा माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos θ, अब ये हो गया प्लस ये। अब आपका काम क्या है, योर जॉब इज टू कन्वर्ट अगेन इनटू साइन फंक्शन x, 10 किस में कन्वर्ट कर देखो, ठीक है ना, थीटा कौन है 10 इनवर्स x, थीटा विल बी 10 इनवर्स x, तो cos θ क्या होगा, वो तो ठीक है थीटा, ये x की जगह 10θ की जगह x लिख दो और थीटा की जगह 10 इनवर्स लिख दो, लेकिन यहां cos θ क्या होगा, cos θ को उसमें x में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताइए, cos θ को 10θ में लाओ, फिर आपको x में पता लग जाएगा, ठीक है ना, ये मैं आपको अभी कन्वर्ट करना पड़ता है, यू कैन यूज ट्राइंगल लो, ठीक है, cos θ को 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस x में लेके आने का। आप ट्राइंगल लो से कर सकते हैं, अदरवाइज एक और फंडा भी है, अगर आप यहां sec लिखेंगे तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो मैं ये काम करता हूं, आई राइट माइनस का log ऑफ sec θ, तो थोड़ा आप परेशानी से, अदरवाइज आपको ट्राइंगल वगैरह बनाने पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब मैं दिस हैज बिकम 2 into θ tan θ, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, माइनस log ऑफ देखो sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस 1 plus tan² होता है ना, sec स्क्वायर जगह 1 plus tan² होता है, sec स्क्वायर जगह 1 plus tan² हो गया,
तो sec थीटा की जगह रूट वन प्लस टेन इज करोगे, लो ये रूट वन प्लस टेन इज कर थीटा होगा। हाँ तो ये हो गया वन प्लस टेन इज कर। अब देखो हाँ ओपन द ब्रैकेट्स और ना ओपन करे तो भी चलेगा। बच्चों अभी मैं लिखूंगा टू बाहर पड़ा है थीटा टेन थीटा, यहां पे देखो ये वन प्लस टेन इसको थीटा का पावर कितना, यहां पे अंडर रूट लगा है ना, वन प्लस टेन इसको पावर मतलब अंडर रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू, पावर वन बाई टू ठीक है, ये आंसर भी ठीक होगा। आप अंडर रूट ना आ रहे तो भी चलेगा, पावर वन बाई टू है तो लोग अपनी अगर आप ये पावर इधर आया पावर इधर आया तो अंडर रूट चलेगा, तो अगेन वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई आपको, ये अंडर रूट हटा तो पावर वन बाई टू लगा, लॉग एम का पावर एन, एन लॉग एम बनता है, प्लस सी क्यों नहीं लिखा, आधा नंबर कट गया। अब ब्रैकेट खोलो टू लिख दो, थीटा कौन है टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा एक्स है तो एक्स टेन इनवर्स एक्स लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा ना, माइनस टू इसे मल्टीप्लाई हो गया खत्म हो गया लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इज, आंसर चेक कर लो और अंडर रूट होगा तो भी चलेगा, अंडर रूट होगा तो यहां अंडर रूट होगा तो यहां पे फिर टू हो जाएगा ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना चीज ओके, क्यों टू से मल्टीप्लाई, दिस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। अभी हम चलते हैं एमसीक्यू जो फास्ट फॉरवर्ड टाइप करता है फटाफट, एक मिनट में एक सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 23-24 फटाफट। क्वेश्चन 23 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेट एक्स क्यूब फास्ट फॉरवर्ड टाइप, दिस इज एन एमसीक्यू, यू कैन यूज एनी ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ठीक है ना। तो मैं अभी इसको मैं एक्स क्यूब को टी रख दू, एक्स क्यूब को टी रख दिया मैंने फटा, एक्स क्यूब को मैं टी रख दिया तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया ना, और डी टी होगी तो थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं आता, यहाँ तीन इधर लाओ तो थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं, मैं इसको थ्री कर दिया, इसको वन बाई थ्री कर दिया, तो वन बाई थ्री और वन बाई थ्री कर दिया तो ये क्या बना बताइए, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी लिख दिया और ये हो जाएगा ई रेस टू टी डी टी, और ई रेस टू टी डी टी क्या हो गया, ई रेस टू टी डी टी क्या हो गया ठीक है ना, वन बाई थ्री बाहर पड़ गया ना, तो वन बाई थ्री ई रेस टू टी हो गया ठीक है, और ई रेस टू टी का वैल्यू वापस डाल दो, ई रेस टू टी का क्या क्या वैल्यू, वन बाई थ्री ई रेस टू टी कौन है, ई रेस टू एक्स एक्स क्यूब। तो अब ऐसा आंसर है कहीं, चेक कर लो ऑप्शन, और ये तो ऑप्शन ए में ही पढ़ा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक मिनट में एक सवाल पढ़ा पड़ा आपको करना चाहिए ठीक है ना, आप कर लेना सब्स्टिट्यूशन से। सवाल नंबर 24 की तरफ हम अपना रुख करते हैं, क्वेश्चन 24 ई एक्स इंटू सेक एक्स विद इन ब्रैकेट वन प्लस टेन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ई एक्स वाला है तो आपको शक होना चाहिए, आपके दिमाग में पैदा हो जाना चाहिए, तो ई एक्स में इसको लिख दूं, इसको मैं लिख दूं ई एक्स और सेक एक्स अंदर भेज दूं तो सेक एक्स बन जाएगा और ये बनेगा सेक एक्स प्लस टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि ठीक है। अब देखो ई एक्स बाहर हो गया, इनमें एफ एक्स कोई है, कोई एफ डैश एक्स है, ये हमारा एफ एक्स है ना, दिस इज एफ एक्स, तो ये क्या बन गया, दिस इज एफ डैश एक्स, तो हमारा आंसर ई एक्स एफ एक्स, यानी क्या बन गया ई एक्स सेक एक्स, ई एक्स सेक एक्स इज आवर आंसर। तो कोई ऐसा है इसमें, ऑप्शन बी बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओके बच्चों। तो ये तो आपका एक्सरसाइज 7.6 था, बाई पार्ट हो गया था। अभी चलते चलते थोड़ा सा आप मुस्कुरा दीजिए, अगर नहीं मुस्कुराते हैं तो मैं आपको हंसने पर मजबूर करूंगा, बच्चों के ऊपर भी है, विद्यार्थियों के ऊपर और क्लासरूम के ऊपर है। हिंदी के गुरुजी पढ़ा रहे थे, कबीर दास जी की कुछ कविताएं चल रही थी, अगले दिन उन्होंने आके एक बच्चे से पूछा भाई तू शरारत करता है, तू मुझे कोई कबीर दास जी का कोई दोहा सुना दो। बोला सर मेरे को याद है मैं सुना दूंगा। उसने क्या बोला, कबीरो बड़ो बावलो दोहो दियो बनाए, फिर से बोलता हूं, कबीरो बड़ो बावलो दोहो दियो बनाए, खुद तो सालो निकल गियो मने दियो फसाए। ठीक है, हंसो भी, वेरी गुड। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना,
सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.